सीएससी नॉलेज बेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन पर क्लिक करें और नई अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आपने लॉगिन किया है सीएससी नॉलेज बेस। केंद्र सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए कई ऐसी स्कीम चला रही है जिसका फायदा उठाकर आप अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस स्कीम का नाम है क्वायर उद्यमी योजना। इस स्कीम के तहत क्वायर बिजनेस शुरू करने पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इस पर 40% सब्सिडी भी दी जाती है, यानी आपके 4 लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे। तो बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे क्वायर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वायर बिजनेस क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME की क्वायर बोर्ड यह स्कीम चला रही है। इस स्कीम का मकसद युवाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्वायर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। क्वायर यानी जूट या फिर नारियल जटा से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरमेट, डोरमेट, ब्रश, मैट्रेस यानी गद्दे, फ्लोर टाइल्स, फोम मैट्रेस, ये सभी जूट यानी नारियल जटा से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। बात करें अगर इस बिजनेस के स्कोप की तो शहरी लाइफस्टाइल में गद्दों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस बिजनेस का काफ़ी स्कोप है। इतना ही नहीं, अब इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल में भी किया जा रहा है। वहीं क्वायर फाइबर यानी नारियल रेशे से रस्सी, कूलर में इस्तेमाल होने वाली घास की भी डिमांड है। इसके साथ साथ आजकल फैंसी और डिज़ाइन आइटम्स भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही क्वायर यार्न को लेकर भी कई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी आप 10 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट वाला ही बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप 25% तक वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट गाइड देता हूँ। यह एक तरह का वो पैसा होता है जो किसी भी कंपनी को अपने डेली बेसिस ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, जिसमें कच्चे माल की खरीद करना, उसे प्रोसेस करना और उसे शिपिंग के लिए भेजना आदि शामिल हैं। इस स्कीम के तहत आपको 55% लोन मिल जाएगा और 40% सब्सिडी, यानी आपको केवल 5% पैसा लगाना होगा। अगर आप 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको केवल 50,000 रुपये अपनी तरफ से लगाना होगा। इस स्कीम के लिए कोई भी इंडिविजुअली, कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप या NGO, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में आप क्वायर बोर्ड ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र, क्वायर प्रोजेक्ट ऑफिस, पंचायतों और बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड नोडल एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर अप्लाई करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।